हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मसदीप और आप देख रहे हैं मौसम स्क्वायर। मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज बात करूंगा अपडेट इफेक्ट के पैनल्स के बारे में। तो मैं लास्ट वीडियो में बताया था वर्क स्पेस कैसे कस्टमाइज करते हैं, तो मैं अपडेट इफेक्ट ओपन कर लिया हूं। तो आपको जैसे ही अपडेट इफेक्ट ओपन करेंगे तो आपको कुछ पैनल्स ऊपर में दिखाई देंगे, कुछ नीचे में, कुछ बीच में और कुछ साइड में पैनल्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पैनल, जो कि आप अगर आपको कोई भी वीडियो को या फुटेज को या कोई इमेज को एडिट करना है तो आपको सबसे पहले यही पे लाना पड़ता है, जो कि नाम है आपका प्रोजेक्ट पैनल। आपको लाने का दो तरीका है, या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे कुछ फुटेज ले आता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे टाइमलाइन, तो सबसे पहले एक आपको कंपोजिशन क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आपको कंपोजिशन क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके भी कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक देख रहे हैं कंपोजिशन मेन टैब, जो वहाँ पे जाके भी आप कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और न्यू कंपोजिशन में जाके भी क्रिएट। और चौथा ऑप्शन है, आप शॉर्टकट की के सहारे से भी आप अपना कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट की है यहाँ पे कमांड एन, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल एन। तो मैं एक कंपोजिशन क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे फुटेज को ले आता हूँ। कमांड एन प्रेस करके यहाँ पे आप अपना यहाँ कंपोजिशन का नाम दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ माई प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट है। यहाँ पे आपका वीडियो का साइज यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर आपका वीडियो 1080p है या फिर 720p है या फिर 4K 5K 8K जो भी है, आप यहाँ पे अपना प्रीसेट चूज करके अपना सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर वीडियो का वेथ एंड हाइट है, और यहाँ पर आपका वीडियो या फिर कोई भी कितना फ्रेम पर सेकंड पे वर्क करना है, यहाँ पे आपका फ्रेम रेट दिखेगा। तो मैं 25 ही रहने देता हूँ। रेजुलेशन फुल है और यहाँ पर स्टार्ट टाइम कोड एंड ड्यूरेशन है, और आपके यहाँ पर बैकग्राउंड है तो मैं ग्राउंड भी ब्लैक रहने देता हूँ और ओके क्रिएट करता हूँ। तो आपको यहाँ पे देखिए एक नया कंपोजिशन क्रिएट हो गया है माय प्रोजेक्ट के नाम से। अब मैं यहाँ पे चाहूँगा तो यहाँ पर कोई भी वीडियो को आसानी से अब एडिट कर सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पर एक PNG फाइल है, जो कि मैं यहाँ पर ड्रैग करके लाता हूँ। तो नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पर कंपोजिशन पैनल, एक तरह का आपको व्यू पोर्ट भी बोल सकते हैं कंपोजिशन पैनल्स को। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपका रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट बोल के एक पैनल है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पैनल है। आपको कोई भी इफेक्ट कोई भी लेयर में आप लगाना चाहते हैं तो आपको यही से इफेक्ट को खोज के निकालना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पर ड्रैग करके ला के यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर चाहता हूँ कुछ इफेक्ट लगा देता हूँ, जैसे 4 color gradient। तो यहाँ पे है 4 color gradient। यहाँ पे और भी सारा आपको प्रीसेट और इफेक्ट मिल जाएंगे। एग्जांपल देने के लिए आपको एक इफेक्ट को अप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड पे ये लगे, तो अगर जैसे ही मैं लगा देता हूँ तो आपको देखते हैं यहाँ पे 4 color का इफेक्ट अप्लाई हो गया। और नेक्स्ट काम है आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट के बगल में एक है इफेक्ट कंट्रोल पैनल, तो ये आपको कब शो करेगा, जब आप यहाँ पे कोई भी इफेक्ट या फिर कोई प्रीसेट को अपने जो लेयर पे आप अप्लाई करेंगे उस लेयर को जब सिलेक्ट कीजिएगा तब जाके ये शो करेगा। अदरवाइज मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ, अपना कलर को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। एग्जैक्टली सेम अगर कोई भी यहाँ पर ब्लरी इफेक्ट लगाना है तो फर्स्ट ब्लर लगा लीजिए, फर्स्ट ब्लर लेगेसी, मैं ये इफेक्ट इसमें लगा देता हूँ। इसको स्क्रीन को हटा के नॉर्मल करता हूँ। तो अब मैं कोई भी इसमें मैं ब्लरी किया हूँ, अब ब्लरी का यहाँ अमाउंट डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर फुटेज जो था वो ब्लरी हो चुका है। तो इसी तरह कोई भी आप यहाँ पर प्रीसेट को
सो खोजिए और इस लेयर पे ड्रैग करके अप्लाई कर दीजिए। तो आपको जो यहाँ पे आपका प्रीसेट्स पे यहाँ पे आपका इफेक्ट अप्लाई है वो आपका यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे शो करेगा। अगर आपका इफेक्ट कंट्रोल शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे विंडोज टैब पे जाइए और यहाँ पे आपका विंडोज टैब पे जाइए और यहाँ पे एक इफेक्ट कंट्रोल बोल के एक पैनल से उसको आप टिक कर दीजिए तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट है इन्फो पैनल, तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो टैब। जैसे कि मैं यहाँ पे या आपका यहाँ पे कंपोजिशन पैनल पे जाता हूँ तो अगर आपका क्रेशर जहाँ पे जा रहा है उसी का यहाँ पे आपका एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन का वैल्यू शो कर रहा है और उसके बगल में आप कोड है जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू का कलर कोड है जो कि आपका जहाँ पे क्रेशर है उसका कलर का कोड यहाँ पे आपका शो करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोड हर जगह चेंज हो रहा है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑडियो, अगर आप ऑडियो पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ का ऑडियो का वैल्यू शो करेगा और वहाँ का आप कम बेसी डेसिबल कर सकते हैं। और ये ट्रेकर, ये एक तरह का एडवांस पैनल है जो कि मैं इसको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट है एलाइगन, एलाइगन का अगर आप कोई भी यहाँ पे एक मान लेते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट अप्लाई करते हैं उसका नाम लिखते हैं मोशन, इस मोशन को मैं एलाइगन सेंटर करना है तो अगर आप सेंटर करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर हो जाएगा। ये पॉइंट आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट, इस पॉइंट के बेसिस पे ये सेंटर होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कुछ टूल्स के बारे में जो कि आपको यहाँ पर एंकर पॉइंट टूल भी है और यहाँ पर कुछ टूल्स है जो कि आपको वीडियो एडिट करने के समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। और उसके बाद आपका कैरेक्टर, यहाँ पे आप यहाँ पे फॉन्ट चूज कर सकते हैं और उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज हाइट कोई भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ से भी आप इसको आप एलाइगन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, मैं बात करूँगा कुछ टूल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।